अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। कि मैं हाथों पे ऐसे करके चलता था, कभी आगे गिर जाता था, कभी पीछे गिर जाता था। 6 साल हो गए मेरे को, आज 6 साल बाद मेरे पैर वापस आ गए हैं। आज पूरा दिन हो गया और हमने कोशिश की कि अपने भाई नौशाद को एक ट्राईसाइकिल दिलाएं, क्योंकि नौशाद बोल रहे थे कि भाई मुझे अगर ट्राईसाइकिल मिल जाएगी तो मेरे पैर मिल जाएंगे। और पहले हमने दूसरी ट्राईसाइकिल देखी थी जिसका कलर रेड था, लेकिन इनको पसंद नहीं आई, अब दूसरी ब्लैक है। नौशाद कैसा फील हो रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। और भैया ये मेरे पैर है, आपने मेरे को हेल्प करी है, मेरे दिल को इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी हो रही है मैं इजहार नहीं कर सकता। कितनी परेशानी होती थी भाई पहले? जब मेरे को इतनी परेशानी होती थी कि मैं अपने हाथों से चल नहीं पाता था। मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आगे की दोनों जॉइंट निकले हुए, पीछे के दोनों कुल्ले निकले हुए हैं। मेरे को 6 साल हो गए हैं, मैं हाथों पे ऐसे करके चलता था, कभी आगे गिर जाता था, कभी पीछे गिर जाता था। मेरे को जख्म होते थे, मेरी को दोनों कोनियाँ छिल गई है, मेरे यहाँ से कुल्लों पे फोड़े हो गया चल चल के। जब मैं चलता था तो मेरे पत्थर चुभते थे, आज मेरे को अल्लाह पाक ने मेरे पैर वापस दे दिए, आपको फरिश्ता बना के भेजा। मैं बस आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। आज 6 साल हो गए मेरे को, आज 6 साल बाद मेरे पैर वापस आ गए हैं। मेरे को जो यहाँ से 10 कदम पे चलने के लिए 2 घंटे लगते थे, आज अल्लाह पाक ने मेरे को मेरे पैर वापस दे के, ये मेरे एक पैर ही है, आज अल्लाह पाक ने मेरे को मेरे पैर वापस दे के मेरे को वो 10 कदम का सफ़र 1 मिनट में करवा दिया, जो मैं सफ़र 2 घंटे में करता था। आपने मेरे को मेरी एक ज़िंदगी वापस दे दी, आपने मेरी भीख मंगवानी छुड़वा दी, जो मैं बत्ती पे लोगों के आगे हाथ करके 1-1 रुपया भीख मांगता था, आपने मेरे लिए वो हेल्प करी है ताकि मैं लोगों के सामने, चलो वो मेरी मजबूरी थी, मैं भीख मांगता था अपनी फैमिली के लिए, आपने मेरी फैमिली के लिए मेरे को इतना कुछ करके दे दिया ताकि मैं अपनी रोज़ी रिजक पे बैठ के अपना बीड़ी सिगरेट तंबाकू का कुछ भी कारोबार खोल सकूं और अपनी फैमिली का गुजारा चला सकूं। वो मैं नहीं, वो सिर्फ आपके ज़रिए। ये तो सब अल्लाह कराने वाला। नौशाद ये तो कुछ पैसे हैं भाई, आज तुम्हारी मैंने नुकसान कराया, तुम कमाते? मेरा नुकसान नहीं, आज आपने ज़िंदगी दी है मेरे को। ये पैसे रखो आप, ठीक है ना? और उसके बाद में इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अगर आप भीख मांगना छोड़ते हो तो मैं आपकी पूरी दुकान इंशाल्लाह पूरी दुकान, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे सब्सक्राइबर आपको सपोर्ट करके पूरी दुकान आपको हम करा के देंगे अगर आप भीख मांगनी छोड़ दोगे इंशाल्लाह। मैं वादा करता हूँ, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का, उस अल्लाह से, या अल्लाह हमेशा आप जैसे मेरे भाई को खुश रखे, और जो भी हमारे से गलती हो गई है हम अपनी गलती को माफ़ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप जैसे जब तक कि दुनिया के अंदर जिंदा है इंसान, तो हमारे जैसे विकलांग कभी कुछ नहीं होगा। रो मत, है ना, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चले नौशाद, खुश रहो तुम, ठीक है ना? बहुत खुश रहो अपनी फैमिली में। मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता आपके सामने। अगर जो इस टाइम मेरे को पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं उस दुनिया से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा इंसानों ऐसे इंसान के लिए दिल से दुआ निकालो। ये एक इंसान नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता बन गया है, और ये फरिश्ता ही है जो गंदगी से उठा के इन्होंने हमारे को एक नई ज़िंदगी दी है। 100% में नहीं, 1000% में एक इंसान ऐसा मिलता है
जो किसी की मदद करता है। नहीं, दुनिया में आजकल कोई ऐसा नहीं है जो किसी की मदद करे। ऐसे हाथ फैलाना पड़ता है एक एक रुपये के लिए। जब 500 आदमी एक एक रुपया देते हैं, जब जाके 500 रुपये इकट्ठे होते हैं। और इन भैया ने मेरे को ये 10-12 हज़ार रुपये की मेरी रोजी रिजक के लिए भैया ने जो दिया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो नौशाद हमेशा। भाई बहन है नौशाद के, ये दिल्ली में रह के भीख मांग के उनको पढ़ाते हैं, और इसीलिए कि उनका मुस्तकबिल बन जाए, वो कुछ बन जाए, ये तो भीख मांग रहे हैं इसीलिए। नौशाद भैया, एक खुशी का सुने गल आपके लिए बस। आपने जो कहा भैया, मैं इंशाल्लाह वो ही काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, अपना ख्याल रखिए, और जो हमने वादा किया इंशाल्लाह उस वादे पर पूरा करेंगे, लेकिन तुम भी अपना वादा पूरा करना, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपने, अल्लाह हाफिज़। देखा आपने, एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। सिर्फ हमने एक इनको ट्राइसिकल दिलाई है, इनके पैर इनको दिलाए हैं कि ये चल सके। बहुत पहले बहुत लाचारी से चलते थे, टेक लगा के बैठ भी नहीं सकते थे। एक कोशिश हमने की, ये कोशिश आप भी कर सकते हैं, अपने शहरों में कर सकते हैं, अपने मोहल्लों में कर सकते हैं। आगे आइए, बढ़िए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ऐसे लोगों को आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। मदद करने के लिए आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ चाहें तो कुछ भी हमें डोनेशन दे सकते हैं, जिससे हम आगे लोगों की मदद कर सकें। सबसे पहले अपने इलाकों में काम कीजिए, उसके बाद में अगर चाहते हैं हमें सपोर्ट करें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।